बोलो जी मैं रोशन वर्मा जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संघ सहारनपुर। तेज बोलो। तो हमारी जो मांगे हैं वो प्रदेश स्तर पर लंबित हैं और उन मांगों के संबंध में माननीय राष्ट्रीय परिषद को शासन को हमने कई बार प्रतिवेदन किए हैं लेकिन कोई विशेष उस पर प्रगति न होने की स्थिति में 29/10/2018 को प्रदेश की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 15 से 17 तारीख तक काली पट्टी बांधकर और 20 तारीख में कार्य बहिष्कार करके धरना देंगे और यदि तब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 30 तारीख से यानी आने वाले 30 नवंबर से हम लगातार कार्य बहिष्कार करेंगे और धरने पर बैठेंगे। हमारी समस्याओं में मुख्यतः नायब तहसीलदार पद पर जो प्रोन्नति का मैटर है उसमें हमारे ही समकक्ष एक संवर्ग है रजिस्ट्रार कानून को, वो बार बार उसमें जो पूर्व व्यवस्था है उसमें इंटरफेयर करने का प्रयास कर रहा है और पूर्व में भी अनुचित तरीके से वो 2-3 प्रमोशन ले चुका है और बराबर वो शासन में दबाव बनाए हुए हैं कि इसको अमेंड कर दिया जाए और हमारे हिसाब से उसको दोबारा से कंडीशन लिस्ट बनाई जाए, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी समस्या ये हैं कि जितने भी उप निरीक्षक संवर्ग के लोग होते हैं सभी का ग्रेड पे जो है पूरे प्रदेश भर में 4200 रुपये है जबकि एक राजस्व निरीक्षक ही ऐसा पद है कि जिसको 28 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। हम उनके उपनयंट जो है इसको इसकी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कोई भी भत्ता जो कि उस निरीक्षक वर्ग के सभी लोगों को प्राप्त है कोई भी भत्ता आज की तारीख में हमें प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी समस्याओं पर एक निश्चित रूप से कुछ भी विचार नहीं हुआ है और संवर्ग आंदोलित होकर के इस मार्ग पर चला है और हमें पूरी आशा है कि हमारी